Hello students, welcome to the 16th class, a very important class for GS mains paper 3. Internal security mein topic bahut kaam aayega. Now this is about chief of defense staff, CODS. Aur newspapers mein zyada tar likha hota hai CDS, chief of defense staff. Now when it comes to India and its boundary issues with the neighboring countries, there is a lot of conflict around our borders with countries like Pakistan, that we have got China on the in the north, and we also have some kind of conflict with Myanmar too. So Hindustan ke borders koi peaceful borders nahi hai, ye aise borders hai jinme bahut sara conflict chalta rehta hai. To conflict oriented borders hain hamare, but hamare dushman bahut bade hain. तो इन दुश्मनों को कैटर करने के लिए, इन दुश्मनों को टैकल करने के लिए पाकिस्तान को और चाइना को, हमारे पास आर्मी भी है. आर्मी बहुत सशक्त है, हमारी बहुत पावरफुल है. ठीक है, अगर देखा जाए तो परिपक्वताओं की चरम सीमाओं को छूता हुआ हमारे पास पूरा डिफेंस का स्ट्रक्चर है जो अपना पूरा पोटेंशियल को यूटिलाइज करता है. हमारे पास आर्मी है, हमारे पास नेवी है, हमारे पास एयरफोर्स है. सो वी हैव दिस ट्रायोलॉजी एंड यूजिंग दिस ट्रायोलॉजी वी आर टेकिंग केयर ऑफ अवर बॉर्डर्स. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो हमारे यहां पे स्पेशलाइजेशन है डिफेंस के लिए. आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स. हर देश में डिफरेंशिएशन के बेसिस के ऊपर, मतलब जितना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा बेटर माना जाता है कि साइबर अटैक्स को कंट्रोल करने के लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन, पानी का डिफेंस के लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन, हवा का डिफेंस के लिए वी हैव गॉट एयरफोर्स. बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहां पे, कि हमारे पास डिफेंस को लेके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है. सब लोग अपना अपना देखता है, आर्मी अपना देखता है, नेवी अपना देखता है, एंड एयरफोर्स अपना देखता रहता है. कोई इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर नहीं है जो पावरफुल हो. हमारे पास डी जुरे काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, बट हमारे पास डी फैक्टो स्ट्रक्चर नहीं है, रियल स्ट्रक्चर नहीं है. हल्का सा स्ट्रक्चर तो हमने बना रखा है कि इकट्ठा होके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स लड़े पाकिस्तान के साथ, इकट्ठा बैठ के प्लानिंग करे, इकट्ठा बैठ के डिस्कशन करे, एक ओरिएंटेशन से फाइट करे. वो है हमारे पास चीफ ऑफ स्टाफ्स कमेटी. ठीक है, चीफ्स ऑफ स्टाफ्स कमेटी. अभी कौन बनता है चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी? देखिए, आर्मी का या नेवी का या एयरफोर्स का, तीनों में से जो सबसे सीनियर रहता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इयर्स दे गिवन टू द फोर्स, वो चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बन जाता है. और तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है, तालमेल मेंटेन करता है. ठीक है, बट इसके पास बहुत सब्सटेंटिव पावर नहीं है, रियल पावर नहीं है कि ये ऑर्डर दे सके नेवी को, आर्मी को, कि अपना स्ट्रक्चर चेंज कर ले. ठीक है, कौन सा बटालियन कहां पे भेजना है. तो इतना ज्यादा ह्यूज पावर नहीं है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ऊपर. हिंदुस्तान को अब क्या चाहिए? देखिए, दुश्मन हमारा कभी भी टुकड़ियों में नहीं आता या बंटके नहीं आता है. हमने अपनी फौजों को बांट रखा है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में. तो इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं हम अपना पाते जो इकट्ठा होके उनके अगेंस्ट हम अटैक कर पाए. तो सजेशन दिया था, देखिए 1999 में हमारा कारगिल का युद्ध हुआ, उस युद्ध में हम विजयी रहे, बट उसके बाद में एक कारगिल डिफेंस कमेटी बनी कि अगले बार अगर युद्ध होगा, अगले बार अगर जंग होगी, उस जंग में जीतना किस तरह से है, हाउ टू विन दैट वॉर. उस वॉर को जीतने के लिए कारगिल डिफेंस कमेटी का सबसे बड़ा रिकमेंडेशन तो यही था कि आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाइए. नाउ व्हाट इज दिस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, मैंने बता दिया आपको, बट इसके पास पावर नहीं है. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में बहुत ज्यादा पावर होगी. जहां पे चाहे वो एयरफोर्स को कंट्रोल करेगा, नेवी को कंट्रोल करेगा, आर्मी को कंट्रोल करेगा. तो
आज तक हमने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया क्यों नहीं है, क्योंकि इतना जरूरी जब है उसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जो आर्मी है और जो नेवी है और जो एयरफोर्स है ये बहुत रिजिड रहते हैं, दे आर वेरी एडमेंट, एडमेंसी का हाइट स्टर्बन बहुत है, दे विल नेवर चेंज, देर इज लॉट ऑफ इनर्शिया इन द सेटअप, सो दे डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग अबाउट एनी ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज, क्योंकि आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स इनका आपस में भी एक दूसरे को लेके कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है अबाउट सुपीरियोरिटी एंड अबाउट कॉम्पिटेंसी. नाउ थ्री ऑफ देम इंडिविजुअली दे कंसिडर देमसेल्फ टू बी सुपीरियर, सो दिस इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. पहला प्रॉब्लम तो यही है हमारे पास चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, ईगो क्लैशेस, एडमेंसी, स्टर्बननेस. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट इशू इज अवर पोलिटिकल बॉस बॉसेस doesn't have a long-term vision with respect to the defense of our country. That is another thing that is creating trouble. ये अगला कारण है, बहुत बड़ा कारण है कि जो trouble बहुत ज़्यादा आ गया है. Political boss का कोई vision नहीं है, adamancy है. And तीसरा जो सबसे बड़ा कारण ये है कि आज की date में अगर आप अटैक देखें, टेररिस्ट किस तरह से अटैक करता है या आर्मी उन लोगों का किस तरह से अटैक करता है, डायरेक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बेसिकली कम हो गए हैं. लाइक साइबर कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया है, स्पेस वॉर्स होनी शुरू हो गई हैं, बायोलॉजिकल वेपनरी से अटैक किया जाता है, केमिकल वेपनरी को यूज़ किया जाता है. तो ये एक नए मुद्दे इमर्ज हो चुके हैं जिनको कैटर करने के लिए सरकारें उस डायरेक्शन में पॉलिसीज बना रही हैं. तो दिस इशू ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज केप्ट बैक ऑन द बर्नर. सो बैक ऑन द बर्नर, तो बर्नर के पीछे इस मुद्दे को रख दिया, अभी हम इसके ऊपर डील नहीं कर रहे. दिस इशू इज नॉट ऑन द एनविल. ऐसा नहीं है कि मुद्दा पड़ा हुआ है और उसके ऊपर डिसीजन ले लेंगे. सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास. बहुत इंपॉर्टेंट है GS 3 मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी. अच्छी तरह से कवर कीजिए, कोई भी डाउट हो कॉन्टैक्ट मी. ज्यादा पढ़ना चाहते हैं इसके ऊपर तो मेरी वेबसाइट पे चले जाइए brainyis.com पे. कोई भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है brainyis.com का चंडीगढ़ में, आगरा में या दिल्ली में, तो प्लीज कॉन्टैक्ट कर लीजिए इसी नंबर के ऊपर. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल.